बाल तोड़ हो जाना, फोड़े हो जाना, फुंसी हो जाना, जिसे हम फ्रंकल भी कहते हैं, ऐसी समस्या है जो फुंसी से फोड़ा बन जाती है और इतनी तकलीफ देती है कि कई बार असहनीय दर्द इसमें होने लगता है। शरीर के किसी भी हिस्से में यह हो सकती है। कुछ जगह है जहाँ पर ज़्यादातर ये होता है, लेकिन कहीं पर भी हो सकती है, कभी कभी चेहरे पर भी हो सकती है। ये होता कैसे है? कभी कभी क्या होता है, एक आधा बाल अगर निकल जाए तो वहाँ पर उसके रूट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, फुंसी के जैसा हो जाता है, और उसे अगर जगह पर ही हमने ठीक नहीं किया तो वो फोड़ा बन जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर उसमें तकलीफ़ होने लगती है। धीरे धीरे इसमें मवाद भरने लगता है और फिर बड़े ज़ख्म में भी कभी कभी ये बदल जाता है। तो क्यों होता है ये बाल तोड़, क्या इसके कारण है, किस तरह के लक्षण इसमें रहते हैं, और अगर आपको ये समस्या है तो क्या इस समस्या को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इसीलिए अगर इस तरह की तकलीफ़ आपको है, आपको बार बार अगर बाल तोड़ होते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। बाल तोड़ के बारे में आज हम समझने वाले हैं। बाल तोड़ एक ऐसा प्रकार जिसे हम त्वचा का संक्रमण कहते हैं, जो बालों के रोमों में यानी कि हेयर फॉलिकल्स या तेल ग्रंथि जो होती है वहाँ पर संक्रमण हो जाता है। सबसे पहले संक्रमित जो त्वचा है वो लाल हो जाती है और फिर एक दर्दनाक गांठ वहाँ पर विकसित हो जाती है। 4 से 7 दिनों के बाद ये गांठ सफ़ेद होने लगती है, क्योंकि उसमें मवाद जिसे हम पस कहते हैं वो इसमें बनने लगता है, पस इकट्ठा होने लगता है। अब ये बात करते हैं कि शरीर के कौन से हिस्से में, किन किन हिस्सों में, किन किन भागों में ये हो सकता है। तो मुख्यतः ये चेहरे पे हो सकता है, गर्दन के एरिया में होता है, बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं बगल के एरिया में उनके होता है, कंधों पर तथा कूल्हे पर ये हो सकता है, सभी आम जगह पर ये बाल तोड़ होता है। लेकिन ये मुख्य जगह है जो मैंने आपको बताई। काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ जिनको बगल में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो जहाँ पर ज़्यादा बाल है, जहाँ पर पसीना आता है या क्लीनलीनेस अच्छे से नहीं हम रखते हैं, तो ये बाल तोड़ बनने की समस्या बढ़ जाती है। जब ये बाल तोड़ आँखों के पलकों पर होता है, इसे हम कहते हैं स्टाई यानी कि आँख की बिल्ली। यदि ये फोड़े एक समूह में बनते हैं तो ये एक गंभीर प्रकार हो जाता है, गंभीर प्रकार का संक्रमण हो जाता है, जिससे नासूर या कार्बनकल्स हम कहते हैं। तो क्या लक्षण इसमें दिखते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स इसमें होते हैं? फोड़ा एक सख्त लाल और दर्दनाक गांठ के रूप में शुरू होता है। सो लक्षण भी यहीं से हमको दिखेंगे, जो आकार में आधे इंच का होता है, कभी कभी कुछ दिनों में ये गांठ नरम बन जाती है, बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने लगती है, और इसमें मवाद भी बनता है। सो फोड़े के चारों ओर सबसे पहले त्वचा लाल हो जाएगी, रेडनेस आएगा, ये सबसे पहला हमें लक्षण दिखेगा। जैसे ही त्वचा रेड हो जाती है वहाँ पे दर्द बनने लगता है, दर्द के साथ साथ ये गांठ गर्म लगती है और सूजन भी वहाँ पे हमें दिखने लगती है। अब ये इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट को इसके साथ साथ बुखार भी रहता है, लिम्फ नोड्स में भी सूजन आती है। अगर चेहरे पे है तो आपके यहाँ के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आएगी, या फिर बगल के आसपास के एरियाज़ में वहाँ पे लिम्फ नोड में इसमें स्वेलिंग आ सकती है। तो आपके दिल में सवाल आया होगा कि ये बाल तोड़ होता क्यों है, क्या इसका कारण है? तो दोस्तों, अधिकांश बाल तोड़ जो है वो स्टेफेलोकॉकस बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है, उसमें भी मुख्य बैक्टीरिया जो है उसका नाम है स्टेफेलोकॉकस ऑरिया। ये बैक्टीरिया शरीर में छोटी सी खरोज या घाव के माध्यम से पहुंचता है, प्रवेश करता है और बालों की सहायता से रोमों तक पहुंच जाता है। अब अगर पेशेंट में कुछ पहले से ही प्रॉब्लम्स है, बीमारियां है, जैसे शुगर हो गई, या फिर उनकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो सिस्टम उनकी डाउन है, खराब पोषण है, साफ़ सफाई का अच्छे से अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, त्वचा को हानि पहुँचाने वाले रसायन हम लगाते हैं, कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में लगाते हैं, तो इसकी वजह से ये तकलीफें हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। और इसीलिए इसके प्रिवेंशन के बारे में भी, इससे बचाव कैसे करना है ये भी हमने समझना चाहिए। अगर आपको बार बार ये तकलीफ होती है, बार बार आपको बाल तोड़ होते हैं, तो पहले इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों को, बिस्तर और तौलियों को अच्छे से धोना है, इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करने देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपको थोड़ा सा कुछ घाव हो जाता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, उसका तुरंत उपचार कर लेना चाहिए। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है स्वच्छता के बारे में, क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपने दिन में 2 से 3 बार नहा लेना चाहिए, अच्छे से स्किन को क्लीन करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, कभी भी खुद फोड़े को आपने नहीं फोड़ना है, क्योंकि ऐसा करने से वो इन्फेक्शन दूसरी जगह पर फैल सकता है। यहाँ तक कि तो आप इस बीमारी के बारे में समझ गए, ये क्यों होता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके कारण है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है इसके इलाज के बारे में। और काफ़ी पेशेंट्स मैं रूटीनली मेरी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ,
उनको बहुत बार ये होते रहता है, बार बार होते रहता है। वो कुछ दिन ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं, फिर से उन्हें ये तकलीफ़ होती है। तो क्यों होती है ये तकलीफ़ फिर से, और क्या इसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। अब हम समझने वाले हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। जी हाँ, अगर आपको एक दो बार ये हुआ है, पहली बार अगर आपको ऐसा हुआ है, तो आप कुछ उपाय घर पर ही कर सकते हैं। सिंपल से उपाय है, उससे ये निकल जाएगा। लेकिन अगर ये बार बार होते उस कंडीशन में आपने क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। पहले समझते हैं घरेलू उपाय के बारे में। सो पहला उपाय है हल्दी। जी हाँ, हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। और इसीलिए अगर छोटा सा आपको फोड़ है, फुंसी है, या फिर कहीं चोट लग जाती है, कुछ सूजन है, घाव के जैसा बन जाता है, तो हल्दी का लेप आप लगा सकते हैं। इससे बहुत जल्दी आपको आराम पड़ सकता है। दूसरा घरेलू नुस्खा आप आजमा सकते हैं, नीम के पत्ते। जी हाँ, नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। मुट्ठी भर नीम के पत्ते आपको लेने हैं, उसे पीस कर उसका लेप बनाना है, और घाव की जगह पर या फुंसी जहाँ पे भी आपको आई है उस वक्त उस जगह पर आप कुछ थोड़ी देर के लिए लगा के उसे रखिए, फिर क्लीन कर लीजिए। तीसरा घरेलू उपाय जो आपके घर पर ही अवेलेबल है, ओनियन, प्याज। जी हाँ, इसमें भी एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। ओनियन की स्लाइस आपको निकालनी है और वो घाव पर रखें, और उस पर कपड़े से आप बांध सकते हैं। 2 घंटे के बाद कपड़े को हटाना है, काफ़ी राहत आपको मिलेगी। चौथा उपाय आप कर सकते हैं, वो है पान के पत्ते। जी हाँ, जो आपका खाने का पान होता है, बाल तोड़ के लिए पान के पत्ते बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पान के पत्ते को गर्म करना है, उसमें कैस्टर ऑयल लगाना है, और फिर घाव पर आपको रखना है, कपड़े से उसको बांध देना है। अगर आपका बाल तोड़ पका नहीं है, तो इससे बाल तोड़ भी पक जाएगा, और 3 से 4 दिनों में ही बाल तोड़ से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। 5वां घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई। जी हाँ, इसमें दर्द कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका अच्छे से हो जाता है। तो एक साफ कपड़े को गर्म पानी में भिगोना है और 10 मिनट के लिए फोड़े पर रख देना है। आप उस गर्म पानी में नमक भी डाल सकते हैं। ये दिन में 2 से 3 बार अगर आप करते हैं, तो काफ़ी राहत इससे आपको मिल जाएगी। अब ये तो थे कुछ घरेलू उपाय, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये बार बार आपको हो रहा है, तो इसकी अच्छी ट्रीटमेंट ही आपने करनी चाहिए। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जिससे आपका ये रिपीटेड जो बाल तोड़ आपको होते हैं, पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे, हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, खुद के दिल से नहीं लेना है दवाई, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है, जैसे बेलाडोना है, हिपरसल्फ है, मक्सॉल है, सिलिका है, आर्सेनिक अल्बम है, लैकेसिस है, हाइपेरिकम है, और काफ़ी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं, और जिससे पूरी तरह से आपको लाभ पहुंच सकता है। लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, या फिर आप मुझसे कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अगर ये समस्या है, आपको बाल तोड़ की अगर तकलीफ़ है, तो इन सभी उपायों को आप ज़रूर आजमाएंगे। आप स्पेशली हाइजीन का ध्यान रखिएगा, अच्छा और पौष्टिक भोजन कीजिए, और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर भी कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।